गाइस आपने इतना ज्यादा कमेंट कर दिया कि मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ गया। भैया 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 प्लीज सिखा दो आप कैसे ग्लास पेंटिंग करते हो। ग्लास पेंटिंग करना बहुत आसान है, इसके लिए हमें ग्लास चाहिए और परमानेंट मार्कर, ब्रश और पेंटिंग कलर। और आपके पास फोन तो होगा ही, आपको गूगल या फिर यूट्यूब कहीं से भी एक अच्छा सा सीनेरी का स्क्रीन शॉट ले लेना है जो आपको पसंद आता हो। अगर आपका ग्लास फोन से बड़ा है तो सीनेरी को जूम आउट करके स्क्रीन शॉट ले लो और जितना पार्ट छूटा उसका भी दोबारा से ले लो, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। उसके बाद आपको फर्स्ट वाला फोटो लेके ग्लास को उसके ऊपर रख के आपको सीनेरी ड्रॉ करना है। और हाँ, आपको ध्यान रहे सेकेंड वाला जो स्क्रीन शॉट लिया था उसके लिए भी आपको ग्लास में जगह छोड़ना है, जैसे कि मैंने नीचे में छोड़ा है। नहीं तो अगर आप सीनेरी को बीच में ड्रॉ कर दोगे तो सेकेंड में जो स्क्रीन शॉट लिया था वो आपका ग्लास में नहीं आ पाएगा। बाकी ग्लास पेंटिंग बहुत ज्यादा इजी है और आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि आप प्रो हो। और मैंने लॉन्ग वीडियो बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद लाया क्योंकि आप हमारे लॉन्ग वीडियो को नहीं देखते हो। अगर आपको हमारा लॉन्ग वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक से मुझे पता चलेगा मैं लॉन्ग वीडियो बना सकता हूँ या फिर नहीं। अगर इस वीडियो पे 1K लाइक होते हैं तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगा। हो जाए तो बता देना, तो मैं नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो जल्दी लाऊंगा। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है इसका मतलब आपने तो सब्सक्राइब किया है लेकिन नोटिफिकेशन ऑल पे नहीं किया है, तो अभी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो, तब हमारे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाएगा। और अगर आप अभी ये सोच रहे हो मैंने सन को नीचे क्यों नहीं बनाया, उसके बगल में क्यों बनाया, तो वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा नीचे हो रहा था इसीलिए मैंने बगल में बना के ऊपर कर दिया। आप भी कर सकते हो। अब आपको हमारा ग्लास पेंटिंग बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा है ना? अगर आपको इजी लग रहा है तो अपने उस फ्रेंड को शेयर करो जिसे ग्लास पेंटिंग तो करना है लेकिन करना ही नहीं आता, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के खुश हो जाए। और गाइस मैंने एक 3D पेन ऑर्डर किया हुआ है जो कि आ ही रहा होगा, तो आप कमेंट करके अभी ही बता दो मुझे कि मैं उस 3D पेन से क्या क्या बनाऊं। चलो अब हमारा सीनरी कंप्लीट हो चुका है, 1, 2। तो अब हमें अपना फोन से कोई मतलब नहीं है, है थोड़ा देर बाद में है, क्योंकि अभी हमें इस आउटलाइन को डार्क करना होगा जो कि इसी में थोड़ा सा मेहनत लगेगा। इतना सा मेहनत आप तो कर ही सकते हो। एंड कोई आउटलाइन आपसे मिस्टेक से खराब हो जाए तो आप कपड़े में हल्का सा पानी भिंगा के उसे साफ कर सकते हो, क्योंकि जब मैं ड्रॉ करता हूँ और मेरे से कोई आउटलाइन मिस्टेक से खराब हो जाता है तो मैं इसे ही साफ करता हूँ। अब मैं फंस गया क्योंकि वीडियो तो नहीं खत्म हुआ है लेकिन मेरा बातें खत्म हो गया। अब मैं आपसे क्या बातें करूंगा, किस चीज के बारे में बातें करूं, समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे साथ हमेशा वीडियो में ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं, है ना, बहुत सारा बातें। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे नए हो तो